केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF आज अपना 83वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित CRPF परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। परेड की सलामी लेने के बाद गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश में CRPF जवानों की भूमिका की प्रशंसा की। CRPF परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी CRPF का वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि देश और सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए CRPF संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीयता का संबंध बनाए। उन्होंने यह भी कहा कि CRPF ने लंबे समय से भारत में लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा की भावना प्रदान करने का काम किया है। CRPF जवानों ने देश में मुश्किल हालात में लोगों को राहत की सांस दी है। चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है और निष्पक्ष चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की आत्मा है। जब भी भारत में लोकसभा या विधानसभा चुनाव होते हैं, CRPF देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंत में यह भी कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी उपलब्धि वह अपार सफलता है जो हमारे बलों ने राज्य में आतंकवाद को नियंत्रित करने में हासिल की है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।